कॉल ओवर चैट, कई चीज़ें कॉल या वर्बल कम्युनिकेशन में बेहतर रहते हैं वेल कम्पेयर टू चैट. अगर यू आर मिसिंग योर फ्रेंड एंड इफ यू आर जस्ट टेक्सटिंग हिम और हर, ब्रो आई मिस यू, इट लुक्स सो रॉ. अगर वही तुम उसको जब का जब कॉल करे, मामा तेरी याद आ रही मामा, सो उससे ही रियली अंडरस्टैंड दैट हाउ मच यू मिस हिम. कॉल ओवर चैट बिकम्स मच मोर इम्पॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट जब आपकी कोई लड़ाई हो, आर्ग्यूमेंट हो, और यू ट्राइंग टू फिक्स अ प्रॉब्लम. चाहे वो आपके पेरेंट्स के साथ क्यों ना हो, सिबलिंग्स, दोस्त, जौज, जौजाए मोहतरम और धर्म पत्नी. आई हैव सीन मैनी पीपल मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर जब उनकी लड़ाई चल रही थी और वो चीज को वो लोग फिक्स कर रहे थे टेक्स्ट के ऊपर. एक चीज समझना चाहिए कि चैट पे इंटेंशंस या इमोटिकॉन पे इंटेंशन समझे नहीं जाते. एक एग्जांपल ले लेंगे. अगर आपको एक टेक्स्ट मिला, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, क्या ये टेक्स्ट से आपको उसका इंटेंशन समझ में आ रहा, उसका टोन समझ में आ रहा? नहीं ना. वही इंसान अगर आपको कॉल करे, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, उससे आपको उसका दर्द मालूम होता, उसकी टोन मालूम होती, उसकी इंटेंशन मालूम होती, उसका जज्बा मालूम होता टू स्टे विद यू, एंड उससे यू विल रेसिप्रोकेट एंड बाद पे चीज़ें बेहतर तरीके से समझाई जा सकती हैं. सो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है, जब भी आपकी कोई लड़ाई हो या आपको अपने दिल की चीज़ किसी मन पसंदीदा इंसान को बोलना है, ऑलवेज चूज कॉल ओवर टेक्स्ट, बिकॉज बातों से जो चीज़ें समझाई जा सकती हैं वो चैट पे फिक्स या समझाई नहीं जा सकती.